नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। हिंडोली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पूर्व ने नामांकन दाखिल किया। हिंडोली उपखंड अधिकारी यहां सबसे पहले भाजपा की एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जिले में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुके हैं। सभा के बाद रैली निकाली जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। तीन किस्तों में 2,000 रुपए 6,000 रुपए साल आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना? क्यों मिलते हैं? क्या कि किसान गरीबी के हालत में जी रहा है, प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, और जब हमारा खाद्यान्न पैदा होता है तो मंडियों में उसको खरीदा नहीं जाता। भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा 2,40,000 करोड़ किसान के खाते में, कम से 11 करोड़ किसान के खाते में ये पैसा डाला जाता है। ये बहने बैठी लकड़ियां बीन के लाती थी, शौचालय करने के लिए सड़कों पे जाते थे, सारी व्यवस्था कराई जाती है। इसलिए भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते इस नकारा सरकार, ये राजस्थान की कांग्रेस की नकारा सरकार, झूठ और लूट की सरकार है।